इस हफ्ते कामकाज में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है। इन दिनों में चंद्रमा गोचर कुंडली के छठे से आठवें भाव तक जाएगा। इससे सप्ताह की शुरुआत में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है, लेकिन जॉब या बिजनेस में आप किसी षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। आपको संभल कर रहना होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ भी मिल सकता है। रोजमर्रा के कामकाज में धन लाभ होने के योग है। प्रॉपर्टी के मामलों में भाइयों या दोस्तों से मदद मिल सकती है। इस सप्ताह आप कुछ मामलों में थोड़े स्वार्थी भी हो सकते हैं। कोई रुका हुआ काम इन दिनों में हो सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है। सामाजिक काम भी पूरे हो सकते हैं। इस सप्ताह आप कुछ संवेदनशील और भावुक रहेंगे। इस हफ्ते विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। किसी बात पर आप दुखी भी हो सकते हैं। सेहत के मामलों में सावधान रहें। लव लाइफ के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला हो सकता है। इस सप्ताह आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। करियर कामकाज में मेहनत ज्यादा हो सकती है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जॉब या बिजनेस में आप किसी तरह के षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं। संभल कर रहे। साझेदारी के बिजनेस में हाथ ना डालें। निवेश करते समय सावधानी रखें। हेल्थ सप्ताह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी बीमार हो सकता है। वृष, इन 7 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप लकी भी रहेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा गोचर कुंडली के 5वें भाव से 7वें भाव तक जाएगा। आप नौकरी और बिजनेस से जुड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं। इन दिनों में आप जान और अपने मन की आवाज के दम पर बड़े और सटीक फैसले ले सकेंगे। रोजमर्रा के कामकाज समय पर निपटने से भी आप खुश रहेंगे। लव लाइफ के मामले में आपके लिए समय सही है। वर्क प्लेस पर किसी की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। लव प्रपोजल भी मिल सकते हैं। निवेश कर सकते हैं या ऐसी योजना बन सकती है। इन दिनों कुछ मामलों में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। नौकरी या बिजनेस में आपको कोई बड़ा पद भी मिलने के योग है। सप्ताह के बीच में दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। लव लाइफ इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। पत्नी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय खास ठीक नहीं है। कुछ फैसले आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं, इसलिए कोई भी निर्णय अपने बड़ों से पूछकर करें। इस सप्ताह आवश्यकता से अधिक खर्चा भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को अधिक काम भी करना पड़ सकता है। निवेश सोच समझ कर करें। हेल्थ किसी ना किसी बात को लेकर परेशान भी हो सकते हैं। परिवार में बच्चों व बुजुर्गों की सेहत भी ठीक रहेगी। मिथुन, इन दिनों में कामकाज से जुड़ी टेंशन आपको हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामलों के लिए समय ठीक नहीं कहा जा सकता है। खर्चा बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर आपका मन डावांडोल हो सकता। किस्मत के भरोसे इन दिनों में कोई भी बड़ा काम शुरू ना करें। धन भावनाएं और जिम्मेदारियों की वजह से इस हफ्ते आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हफ्ते मिथुन राशि के लोग किसी षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं। आपका ही कोई करीबी इंसान धोखा कर सकता है। संभल कर रहे। कोई पार्ट टाइम काम भी इन दिनों में आप शुरू कर सकते हैं। प्रिय वस्तु के खोने या चोरी होने का डर रहेगा। मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिलन से आपके मूड में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। निवेश में भी सावधानी रखें। लव लाइफ सप्ताह के आखिरी दिनों में पार्टनर को लेकर कोई गलतफहमी होने के योग है। ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करें। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। करियर स्टूडेंट्स इस सप्ताह पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी शामिल होंगे। मिथुन राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय अनुकूल और उचित लाभ तथा सफलता देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। बिजनेस में भी कुछ रुकावटें आ सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में व्यापारियों को फायदा हो सकता है। हेल्थ इस सप्ताह आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा अवेयर जरूर रहें। खाने पीने पर ध्यान दें।
पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। कल की इस हफ्ते आप कुछ बदलने की कोशिश ना करें, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, उसी पर ध्यान दें। गोचर कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार इन दिनों आपको धन लाभ हो सकता है। यह सप्ताह मिले जुले परिणाम भी देगा। आपको अपने काम पर ध्यान देने में बार बार परेशानी आ सकती है। ऑफिस में आपको कोई कठिन काम मिल सकता है। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वाले लोगों के लिए ठीक ठाक रहेगी। सप्ताह के बीच में आप थोड़े परेशान रहेंगे। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों और फैसलों को लेकर टेंशन रहेगी। इन दिनों में किसी को उधार पैसा ना दें। किस्मत के भरोसे बड़े काम करने की भी कोशिश ना करें। साथ काम करने वाले लोग या आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपको किसी षड्यंत्र में भी उलझा सकता है। सोचे हुए कुछ काम इन दिनों में अधूरे रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के बीच में काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी तक पूरे भी हो जाएंगे। शुभ समाचार भी मिल सकता है। लव लाइफ इस सप्ताह जीवन साथी के साथ संबंध उत्तम रहेंगे। प्रेमियों के लिए समय ठीक कहा जा सकता है। पुरानी गलतफहमी दूर होने के योग है। करियर जॉब के लिए तैयारी करते रहें। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती है। व्यापारियों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। जोखिम भरे निवेश करने से बचेंगे। इस सप्ताह आपकी सेहत पिछले दिनों की तुलना में अच्छी रहेगी। पिता की सेहत को लेकर भी टेंशन रहेगी। सिंह इस हफ्ते की ग्रह स्थिति अच्छी है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा धन भाव में होगा। आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप काफी दिनों से सोचते हुए आ रहे हैं। आप अपने कामकाज में एकाग्रता की कमी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दूसरों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के कुछ दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। अपना काम ईमानदारी से करें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी चेक कर सकते हैं। बिजनेस में किसी फैसले को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है। आपको भाइयों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ा काम भी पूरा हो सकता है। लव लाइफ इस सप्ताह जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। प्रेमियों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन समय नकारात्मक भी नहीं है। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कोई खास जिम्मेदारी मिल सकती है। नए निवेश के नजरिए से व्यापारियों के लिए भी समय ठीक है। हेल्थ यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन परिवार के ही किसी सदस्य की सेहत से आपको टेंशन हो सकती है। कन्या इस हफ्ते आप अचानक होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय है। हालांकि थोड़ी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन सब ठीक भी हो जाएगा। बिजनेस में बड़े एग्रीमेंट या सौदे होने की संभावना है। धन लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। बड़े काम निपटाने के लिए आपको दोस्तों, भाइयों और साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है। अचानक धन लाभ भी होने के योग है। फालतू खर्चे भी इन दिनों में कम हो सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। चलता काम निपट सकता है। आप ज्यादातर समस्याओं के समाधान में सफल हो सकते हैं। यह सप्ताह बेरोजगार लोगों और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। तरक्की और सफलता के योग बन रहे हैं। सप्ताह के बीच में रुकावटें खत्म हो सकती है। धैर्य रखें। इस हफ्ते किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े और अपनी तरफ से किसी बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करें। लव लाइफ आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी समय अनुकूल है। करियर के मामले में सप्ताह ठीक रहेगा। खुद पर ध्यान दें और अपने विवेक से ही फैसला करें। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन पैसों के लेन देन में सावधानी जरूर रखें।
किसी को उधार पैसा देने से बचेंगे। सेहत के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। छोटे बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें। तुला, इन दिनों की शुरुआत खर्च से हो सकती है। नए काम भी शुरू होने के योग है। पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह किसी खास व्यक्ति के साथ बातचीत हो सकती है। गोचर कुंडली के अनुसार आपको धन लाभ होने के योग है। इन दिनों में आप अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। इस हफ्ते के आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है। रोजमर्रा के काम काज निपटाने में आप जल्दबाजी कर सकते हैं। किसी भी तरह की रिस्क लेने में आप पीछे नहीं हटेंगे। इन दिनों में आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। कुछ लोग आपको ठगने और धोखा देने की कोशिश भी कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक है। प्रेम संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। सप्ताह के बीच में जीवन साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समय ठीक है। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। सोच समझ कर निवेश करें। हेल्थ, आपकी सेहत इन दिनों में ठीक ही रहेगी। बदहजमी या गैस संबंधी विकार से परेशानी बढ़ सकती है। वृश्चिक, इस सप्ताह कोई खास काम शुरू करना हो या कोई बड़ा फैसला लेना है तो अनुभवी की सलाह जरूर लें। रुके हुए काम काज पूरे होने के योग बन रहे हैं। अधूरे काम निपटाने की कोशिश करें। चुनौतियों के बावजूद आप सफल हो सकते हैं। आप अपने दायरे से बाहर भी कई क्षेत्रों में सक्रिय और सफल हो सकते हैं। इस हफ्ते आप कोई खास फैसला भी ले सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है। बड़ों का सम्मान करेंगे तो परिवार में शांति रहेगी, वरना बात भी बिगड़ सकती है। इस हफ्ते भूमि भवन संबंधी खर्चा हो सकता है। फालतू यात्राएं होने की संभावना है। बड़े लोगों से कांटेक्ट होंगे। करियर या पेशेवर शिक्षा के मामलों में फैसले लेने के लिए समय ठीक है। लव लाइफ, यदि आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो बता दें। पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य रहेंगे। आपकी लव लाइफ के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक ठाक है। खर्चा बढ़ा हुआ रहेगा। भूमि भवन संबंधित खर्च हो सकते हैं। हेल्थ, यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं तो इस सप्ताह आपको उस रोग से मुक्ति भी मिल जाएगी। धनु, इस हफ्ते चंद्रमा गोचर कुंडली के 10वें भाव से चलकर 12वें भाव तक जाएगा। इन दिनों में आपको धन लाभ हो सकता है। भूमि और भवन खरीदने के योग बन रहे हैं। बचत करने की कोशिश करें। फालतू खर्चे पर कंट्रोल करें। विपरीत लिंग वाले लोगों से मदद मिल सकती है। नए लोगों से भी बातचीत बढ़ेगी। वाहन या मकान संबंधी बड़े मामले सामने आ सकते हैं। परिजनों से सहयोग और फायदा हो सकता है। आप इस सप्ताह गुप्त रूप से अपना काम निपटाते चले आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा और बिजनेस करने वालों के लिए समय अच्छा हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में बड़े फैसले भी इन दिनों में आपको लेने पड़ सकते हैं। रोजमर्रा के काम काज को लेकर थोड़ी टेंशन जरूर हो सकती है। छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। लव लाइफ, इस राशि के विवाहित लोगों के लिए 7 दिन ठीक रहेंगे। तनाव खत्म हो सकता है। करियर स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस सप्ताह उत्तम लाभ के योग बन रहे हैं। हेल्थ, परिवार के बड़े लोगों से खास तौर पर माता की सेहत स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी टेंशन हो सकती है। आपका भी कोई पुराना रोग फिर परेशान कर सकता है। मकर, इस सप्ताह आपके सोचे हुए बड़े काम पूरे हो सकते हैं। समय पर सब अच्छा हो जाएगा।
बड़ा फायदा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, वाहन, नौकरी आदि मामलों में आप भाग्यशाली हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों को बड़ा फायदा हो सकता है। साथ काम करने वालों से समय पर मदद मिल सकती है। इस हफ्ते सप्ताह के पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। सोचा हुआ कोई खास काम भी पूरा हो सकता है। परिवार के साथ समय बीतेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। लव लाइफ, प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है। इन दिनों में पार्टनर आपसे संतुष्ट और खुश रहेगा। करियर स्टूडेंट्स के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला हो सकता है। साझेदारी के कामों में सावधानी रखें, अधिकारियों की मदद मिल सकती है। हेल्थ, इस सप्ताह जरूरी चेकअप करवा ले। मौसम परिवर्तन से तकलीफ होने की संभावना है। बच्चों की सेहत में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सावधानी रखें। कुंभ, इस हफ्ते कामकाज में रुकावटें आ सकती है। प्रॉपर्टी के कामों में बड़े फैसले ना ले। नए निवेश करने से बचना होगा। बिजनेस में कोई बड़ा जोखिम इन दिनों में ना ले। नौकरी पेशा लोग अपने काम से काम रखें। दूसरों के विवादों या किसी भी मामलों में दखल देने से बचना होगा। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते आप किसी तरह के षड्यंत्र में भी उलझ सकते हैं। कोई राज की बात भी उजागर होने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इस सप्ताह कुछ अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। छोटे छोटे अच्छे काम पूरे होने से आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। इन दिनों में आप छोटे छोटे बदलाव करें। शेयर, जमीन, जायदाद आदि के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। इन दिनों में अधिकारियों के साथ गंभीर मामलों में बातचीत हो सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। परिवार या किसी खास इंसान के लिए समय निकालने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ सामान्य रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें तो अच्छा है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी ही सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ठीक नहीं है। नया काम करने से बचें। हेल्थ, सेहत के मामलों में यह सप्ताह ठीक नहीं है। आपको संभल कर रहना होगा। कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको परेशान कर सकती है। मीन, इन दिनों आपके सोचे हुए पुराने काम निपट सकते हैं। नए और बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपका प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। इस समय आपको लेन देन में फायदा हो सकता है। नौकरी में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रहा मानसिक तनाव इस सप्ताह कम हो जाएगा। रूटीन कामों में किस्मत का साथ मिल सकता है। सेहत के मामले में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। धैर्य से भी आपको काम लेना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले आपके फेवर में हो सकते हैं। वाणी पर संयम रखें। महत्वपूर्ण कामों में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। लव लाइफ के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी है तो दूर हो सकती है। प्रेमियों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। समय भी अच्छा रहेगा। करियर, आपके कामकाज की तारीफ होगी। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए लाभ का समय है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। करियर को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो सकती है। आर्थिक मामलों में यह सप्ताह आपके अनुकूल है। हेल्थ, इस सप्ताह आपकी सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। काम ज्यादा होने से थकावट रहेगी।